खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। हरियाणा भाजपा ने बुधवार को झज्जर में जिला प्रधान व जिला प्रभारियों की बैठक में चुनावी तैयारी पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा की लोकसभा स्तर पर हुई रैलियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। रैलियों पार्टी के अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। झज्जर के गाँव कबलाना में हुई बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष व जिला प्रभारी मौजूद रहे। बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी लोकसभा क्षेत्रों में जो रैलियां की गई थी उनकी समीक्षा बैठक में की है। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। धनखड़ ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी व बीपीएल कार्ड को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कठिनाई आती है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।